काफी हद तक। हाँ जी वेलकम। वो जस्ट अभी अभी हाँ जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग फोकस चेक कर रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि ये व्लॉग होने वाला है। फिलहाल तो जो आज सुबह होली में कांड हुए हैं वो जाके देखता हूँ अभी साफ होते हैं या नहीं होते, देख लो। अभी ये फोन का मुद्दा है, आप देखो ये देखते हैं साफ होते हैं कि नहीं, इसको लेके चलते हैं। चल तो गाने सुनना था और ये व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया मैंने, इसको लगा के हाँ अब चलते हैं पापा फेस वॉश करने। ये आज होली के दिन कपड़े धोए थे। काफ़ी हद तक साफ हो चुका है, चलो शुक्र है। कल मुंह दिखाने लायक तो बचेंगे, वरना कलर कलर रहता सारा। और बियर्ड में भी थोड़ी इचिंग हो रही थी कलर की वजह से, अब ठीक है चलो कोई नहीं। अभी तो इसको अपलोड होने का वेट करते हैं। इतना हो गया, ये देख रहे हो 3 GB की फाइल है, फिर भी इतना टाइम ले रहा है यार ये। और घर पे ये 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है अपलोड। घर पे 100 Mbps वाला है ना, कम करवा दिया, पहले ज़्यादा था क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया ना, और अभी फ्लैट में जाऊँगा तो 200 Mbps वाला पैक एक्टिवेट करवा देंगे हम लोग। A few moments later. अभी हम चले हैं अटेंडेंस लगाने, क्योंकि जो हमारा अटल का ग्रुप है उसमें मैसेज आ चुका है कि अटेंडेंस लगाया, 9:30 से 10 के बीच में अटेंडेंस लगाने जानी होती है। चलो फिर अटेंडेंस लगाने चलते हैं। ओए सनातन, अरे नहीं ये नहीं, नहीं नहीं तुम सब नहीं डाली ऊपर। अरे सुनारी कैसी चल रही है क्लास में? अच्छा कैसे रही? मैं रोज जाता हूं ना क्लास यार। हां धूमी धूमी छोड़ दिया तूने। यस, अभी मेरे को लास्ट वीडियो पे कमेंट आया जिसमें मैंने थोड़ी हॉस्टल के बारे में टिप्स दी थी। टिप्स क्या, एक ही टिप दी थी, मतलब पानी वगैरह का और गेट का। तो उस पे मेरे को एक कमेंट आया कि हॉस्टल पे एक वीडियो बना दो हॉस्टल रूम्स वगैरह के बारे में। तो हाँ हॉस्टल के बारे में इस वीडियो में फिर आप पूरी जानकारी ले ही लेते हैं। हॉस्टल के बारे में जो अभी मैं बता दूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारा हॉस्टल रिन्यूअल शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। बाकी इसके बारे में मैं पोस्ट डाल दूंगा अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि एडमिशन्स वगैरह तो ओपन हो चुके हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप एसी रूम ले रहे हो, पहले तो बात हम करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह की। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है नॉन एसी के लिए, लास्ट टाइम हमसे जो लिया गया था, मेरे दोस्तों से, मतलब मैं तो एसी में रहता हूँ, मेरे दोस्तों से जो लिया गया था उनसे लिया गया था 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो था पर ईयर। पर ईयर इन द सेंस कि जब तक आप हॉस्टल में रहोगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके पास जमा रहेगा। अगर आप कोई भी हरकत करते हो या फिर मतलब कुछ तोड़ते हो तो वो आपके हॉस्टल के सिक्योरिटी डिपॉजिट में से ही कट किया जाएगा। और हॉस्टल में यहाँ पे ना कोई मतलब हैवी इलेक्ट्रॉनिक अलाउड नहीं है। जो एसी का है वो 22,000 है। अगर आपको रिफंड करवाना है बाद में किसी दिन आप हॉस्टल छोड़ रहे हो तो वो आपको मिलेगा 20,000 के करीब, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट में से ये लोग 2-3 हज़ार रुपये काट के ही देते हैं। 21,000 मान लीजिए अगर 1,000 भी काटते हैं तो, जो आपको पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट आप भर रहे हो आपको पूरा का पूरा वापस नहीं मिलने वाला अगर आप हॉस्टल छोड़ रहे हो। उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको कट के मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप कुछ हरकत करते हो हॉस्टल में, अगर आप कुछ तोड़ते हो तो वो उसका एक्स्ट्रा पैसा कट के मिलेगा। अब रही बात दूसरी गेट पास वगैरह की, गेट पास आपको यहाँ पे संडे को नहीं मिलेगा, जबकि काफ़ी मतलब
होता है, जब हम आए थे स्टार्टिंग में तब संडे को भी मिलता था, पर बाद में जब जब रेक्टर चेंज हुआ है, रेक्टर इन द सेंस वार्डन, क्योंकि यहाँ पे वार्डन को रेक्टर बोला जाता है, तो जब जब वार्डन चेंज हुआ है तब तब इनके रूल भी चेंज हुए हैं। हर वार्डन का नया रूल आता है, कोई संडे को देता है गेट पास, कोई नहीं देता। और अगर आप तीन दिन से ज़्यादा का गेट और अगर आप तीन दिन से ज़्यादा का गेट पास लेते हो तो आपको अपने HOD वगैरह HOD से और या फिर MFT यानी माई फर्स्ट टीचर, यहाँ के आपको पता लग जाएगा MFT क्या है, तो उन लोगों से आपको एप्लीकेशन लिख के साइन करवाने होते हैं तीन दिन से ज़्यादा का गेट पास लेने के लिए। तो उसके बाद ही रेक्टर आपका जो है आपका गेट पास अप्रूव करता है। दो तरीके से मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन थोड़ा जब आप आओगे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, तो उसके बाद PUMIS यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप गेट पास वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप फीस वगैरह पे करोगे। ये था गेट पास का। गेट पास हाँ तीन दिन से, और पेरेंट्स से तो वे बात करेंगे ही करेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे। और अगर आप अगर किसी दोस्त वगैरह से करवाते हो तो थोड़ा ध्यान से करवाना, ठीक है। अगर कोई चांस पकड़े जाते हो तो फिर फाइन अलग से है, पेनल्टी अलग से है, और जिल्लत आपकी अलग से होगी, आपको जलील अलग से किया जाएगा। ये था गेट पास का। अब यही बात रूम्स की, अगर आप अटल आज़ाद इन इस किसी में आ रहे हो और आपको फोर शेयरिंग बोला जा रहा है, मत करना, क्योंकि ये फोर शेयरिंग या फाइव शेयरिंग तो कतई नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अटल अगर और आज़ाद, अटल बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अटल ए की बात नहीं कर रहा मैं, अटल बी की बात कर रहा हूँ। अटल बी में अगर आपको फोर शेयरिंग मिल रहा है तो इस स्कैम में कतई मत आना, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ भी ऐसे हो चुके हैं, फोर शेयरिंग बोल के हमें एट शेयरिंग पकड़ा दिया, बीच में बस ये लकड़ी का पार्टीशन डाल रखा है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। वैसे भी आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा ही होगा यार, मैंने हॉस्टल रूम टूर तो अपना दे ही रखा है, कैसा कैसा रूम है। और रही बात फीस की, तो फीस अगर चाहते हो तो मैं अभी बोल देता हूँ सारी कितनी जो भी हॉस्टल है, मैं आपको सारे बता दूंगा। हर ईयर इनकी हॉस्टल फीस चेंज होती है, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर जब हम आए थे तब कुछ और थी, अब कुछ और है, थोड़ा हमेशा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, ठीक है, ये आइडिया लेके चलना तुम लोग। और हॉस्टल फीस के अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, तो अभी जो हॉस्टल फीस वगैरह का जो मेरे पास फिलहाल आया ब्रोशर, जो नया है ब्रोशर का, उसका एक पिक्चर ही है हॉस्टल फीस वगैरह के लिए, वो मैं अगली क्लिप में लगा देता हूँ, आप जाके देखो, अगर देख स्क्रीनशॉट वगैरह ले आओ। और कुछ हॉस्टल बीच में ऐसे हैं जो मैं उनके बता देता हूँ कि कौन सा कैसा है, क्योंकि वहाँ पर मैं जाके आ रखा हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पर रहते हैं। टैगोर ए जो प्रीमियम हॉस्टल है, थोड़ा पुराना बना हुआ है पर ठीक है, मतलब तीन बेड मिलेंगे, बीच में दो अटैच होंगे, एक अलग से होगा, दो अलग टेबल होंगे और तीन अलमीरा मिलेगी आपको, इनके इससे थोड़े से बड़े साइज़ की होगी, हमारी जो अलमीरा है सिंगल अलमीरा जो, उससे थोड़े से बड़े साइज़ की होगी, और तीन अलमीरा अटैच मिलेगी उसमें, ठीक है, डबल गेट वाली जो कि आज़ाद में है अभी। और हाँ, अगर आ रहे हो, कॉमन वॉशरूम प्लीज़ अवॉइड करना जितना हो सके, टैगोर नहीं, जो भी आ रहा है कॉमन वॉशरूम में, ये सोच के आना कि आपको यहाँ पे, सोच सकते हो बॉयज़ हॉस्टल में क्या कुछ हो सकता है, मैं गर्ल्स हॉस्टल का कुछ नहीं बोल सकता, मेरे को बॉयज़ हॉस्टल का मालूम है, बॉयज़ हॉस्टल का अटैच वॉशरूम में थोड़ा ये सोच के आना कि आपको कई बार ऐसे मिल सकता है कि पूरे मतलब पांच लाइन्स है, उसमें सिर्फ एक ढंग का मिलेगा, वो भी कोई पता नहीं है फ्री हो या ना, और क्या पता बाद में ये ठीक कर दे, क्योंकि नए एडमिशन आ रहे हैं तो रिपेयरिंग इनकी चलती रहती है, पर ज़्यादा दिन टिकती नहीं है इनकी रिपेयरिंग, तो एक दिन रिपेयर होता है, दूसरे दिन जाके देखो वो फिर से वैसी हालत में मिलेगा। सुना आपने भी, हर फ्लोर पे दो रेक्टर होते हैं, एक एक अपनी साइड तुम्हारी साइड का रेक्टर इन द सेंस वार्डन, अटल में जो कि मतलब बड़े हॉस्टल है, हर पासवे के अलग रेक्टर है, हर कॉरिडोर का अलग रेक्टर है, यानी एक फ्लोर पे दो रेक्टर मिलेंगे आपको, और जो आज़ाद है वो चार है, ABCD, और अटल है वो दो है, A1, A2 और B। और अगर अटल में आ रहे हो तो फिर आप अपना सामान ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे चोरी होती रहती है। तुम्हें आने के बाद कुछ ऐसा मेस कार्ड मिलेगा, ठीक है, परमानेंट वाला, साथ के साथ नहीं मिलेगा, साथ के साथ तुम्हें शायद वो मिलेगा, कार्डबोर्ड टाइप थोड़ा होता है ना, वो जो हार्ड बुक कवर होता है उस टाइप का तुम्हें मिलेगा, व्हाइट कलर का, कुछ टाइम बाद तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये परमानेंट मेस कार्ड। और अगर खो गया तुम्हारा तो ₹500 में दोबारा बनेगा ये, ठीक है, और जलीलत अलग से मिलेगी, खोया कैसे, क्यों खोया, एप्लीकेशन लाओ, वो लाओ, ये लाओ, पैसे लाओ, बहुत झंझट होता है, संभाल के रखना है। ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ ये कि यहाँ पर कैटल, इंडक्शन, चाकू, हल्दी, मिर्च, ये सब रूम में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सब एज हेयर ड्रायर भी अलाउड नहीं है तुम्हें, ठीक है, प्रेस, और कुछ याद दिलाना हो, स्पीकर
स्पीकर्स 9 बजे के बाद स्पीकर बजाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, और अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो इस वीडियो में भी जो बताना रह, हाँ एसी की टाइमिंग्स रह गई यार, एसी की टाइमिंग सर्दियों और गर्मियों में चेंज होती रहती है। सर्दियों में एसी आपका सुबह 9 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है, गर्मियों में कई बार 10 बजे बंद होता है, इस बार अभी फिलहाल बीच में 10 बजे बंद होने लग गया था, अब 9 बजे दोबारा से बंद होने लग गया, और शाम को 6 बजे चालू होगा एसी, ठीक है। पूरा दिन एसी नहीं चलने वाला, पूरा दिन एसी नहीं मिलने वाला आपको इधर, ठीक है। रात को भी आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलने वाला टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, अगर आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना है, अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तभी ये वर्क करेंगे, स्पेशली अटल के जो नए तोशिबा वाले एसी है ना, वन प्लस के रिमोट पे वर्क करते हैं, एमआई रिमोट पे ये वर्क नहीं करते। टैगोर के जो है वो कई बार वर्क कर जाते हैं, मीडिया वगैरह के जो एसी लगे होते हैं, MIDE, ठीक है, मीडिया वगैरह के एसी लगे होते हैं वो, उन पे MI रिमोट काम कर जाता है। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में गेट बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी अंटिल आपके पास गेट पास है। आपके पास गेट पास भी है तो रेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरकतें करने वाले हैं, मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे, आपको कुछ खुला नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सेवाश्रम कैंटीन, वहाँ पे भी रात को 12 बजे के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलने बंद हो जाएंगे, जो चीज़ें हैं जो एसेंशियल होते हैं ना खाने पीने को, मैगी वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी आपको, वो भी अंटिल आप किसी कोऑर्डिनेशन में हो, कोई काम करवा रहे हो यूनिवर्सिटी का, तभी आपको वहाँ जाने को मिलेगा रात को 9 बजे के बाद, वरना आप 9 बजे के बाद हॉस्टल में कैद हो जाओगे। 9:30-10 बजे के बाद आपको वार्डन आपको बोल देगा कि आप अपने रूम में रहो, बाहर नहीं आना, कॉरिडोर में भी घूमने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कई बच्चे होते हैं जो घूम लेते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, कोई आपको और कुछ जानना तो मेरे को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अपना हैंडल यहाँ भी दे दूंगा वीडियो में, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ जानना है तो। तो जस्ट अभी अभी मैंने ऋषभ भाई का कमेंट देखा, वो बोल रहे थे कि वो आए हैं हॉस्टल बुकिंग करवाने, वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही हॉस्टल बुकिंग ओपन होगी। हाँ तो थोड़ा वेट कर लो यार, दे आर बीइंग कॉशियस कॉज वो नहीं चाहते कि जो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए वो लोग भी एडमिशन ले लें और बाद में उनका एडमिशन कैंसिल हो, और जो एलिजिबल हैं सिर्फ उनको ही वो चीज़ मिल सके, बाद में की कोई दिक्कत ना हो, ना उन ना आपको कोई दिक्कत हो, ना बाद में उनको कोई दिक्कत हो। अगर आप यार अपडेटेड रहो इन सब चीज़ों के बारे में कि कब हॉस्टल बुकिंग, मेरे ख्याल से तो मई वगैरह मई के स्टार्टिंग में ही हॉस्टल बुकिंग शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए, अगर जब होती है तो मैं पोस्ट डाल दूंगा, अपडेट्स डालता रहूँगा मैं, क्योंकि मेरा वैसे भी 365 व्लॉग्स का चैलेंज चल रहा है, तो डेली आपको व्लॉग्स मिलने ही वाले हैं मेरे चैनल पे। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू व्लॉग। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।